नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। सरकार के खिलाफ शिक्षकों को लिखना महंगा पड़ गया है। जो यहां आपको बता दें कि आईएएस के पाठक का बड़ा एक्शन, शिक्षकों पे गाज गिरी है। और ये तीन शिक्षक हैं, मुजफ्फरपुर जिले के ये शिक्षक हैं जिन पे गाज गिरी है सरकार के खिलाफ। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर जो है इन लोगों पर एक्शन लिया गया है, नोटिस भी जारी किया गया है। इस नोटिस में भी आप देख पा रहे होंगे जिसमें तीन शिक्षक का नाम है। पहला नाम इंद्रभूषण शिक्षक है, उसके बाद दूसरा नाम जो है वो अभिराम झा कश्यप का है, और तीसरा नाम पवन कुमार प्रतापी जो कि मध्य विद्यालय बिरहिमा बाजार मोतीपुर मुजफ्फरपुर के शिक्षक हैं। इन लोगों को लेकर जो इन तीनों शिक्षक पे गाज गिरी है, जिस नोटिस में आप देख पा रहे होंगे कि साफ तौर पे लिखा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित सरकार विरोधी आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। आपको बता दें कि इसमें लिखा गया है कि इसकी सूचना जो है मिलने के बाद सोशल मीडिया एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई, जिसमें आपके द्वारा विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों पर आपत्ति व्यक्त किए गए हैं, जो सेवा संहिता में निर्धारित आचरण के विरुद्ध है। आपको निर्देश है कि आप 24 घंटे के अंदर इस आशय का स्पष्टीकरण दें, आपके द्वारा क्यों सेवा संहिता के निर्धारित आचरण के प्रतिकूल सरकार विरोधी वक्तव्य सोशल मीडिया में दिया गया, इसके लिए क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करते हुए कठोर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर जो है इन लोगों को स्पष्टीकरण देना है, इन तीनों शिक्षक को स्पष्टीकरण देना है। आप वो पोस्ट भी देख सकते होंगे अपने स्क्रीन पे, जो कि पोस्ट में लिखा गया है कि नाम वही है तो बदलाव क्या हुआ, फाटक ने ठग लिया। अब देख सकते हैं, इन तमाम पोस्ट को भी देख सकते हैं और नोटिस भी आपने देखा तो बड़ा एक्शन लिया गया। देखिए, के पाठक लगातार शिक्षकों को सचेत करते रहते हैं कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाइए, आपकी प्रायोरिटी जो है वो बच्चों को पढ़ाना है ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन कुछ शिक्षक जो है जो इस तरीके के काम करते हैं उन पर एक्शन भी लिया जाता है। और ये नोटिस मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें तीनों शिक्षकों का नाम है, उनका सोशल मीडिया पोस्ट का फोटो भी है जिसको आप देख पा रहे होंगे, नोटिस भी है, स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है कि आप लोग स्पष्टीकरण दें कि ऐसा आपने क्यों किया, सरकार के विरुद्ध में इस तरीके का पोस्ट करना जो कि अनुशासनहीनता है। अगर आप लोग 24 घंटे के अंदर में स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आप पे उचित कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। के पाठक पिछले दिनों कल देर रात भी मुजफ्फरपुर में ही थे और ये घटना भी मुजफ्फरपुर की ही है। किस तरीके से उन्होंने डाट सेंटर का निरीक्षण किया और तमाम चीजों को देखा, और इसी कड़ी में ये नोटिस जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है। वो तीन शिक्षक जिन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सरकार के विरुद्ध पोस्ट किया था और विभाग जो निर्णय लेती है उसके विरुद्ध पोस्ट किया था, और इसी को लेकर जो है इन लोगों पे कार्रवाई करने की बात कही गई है। 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।